दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों 80% से ज्यादा लोग हमारी कहानियों को सुनते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है ब्राह्मण का पाप। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक विप्रचंद नामक ब्राह्मण से हत्या हो गई और उस हत्या के प्रायश्चित के लिए वह अनेक तीर्थों में घूमता हुआ काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। श्री गोस्वामी जी ने उसके मुख से अपने इष्ट देव का अति सुंदर राम नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, तुलसी जाके बदन ते धोखे हूं निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। फिर उसे अपनी पंक्ति में बैठा कर प्रसाद पवाया जिससे वह शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें गोस्वामी जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना यह ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि वेद और पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। भगवत नाम के प्रताप से ही यह ब्राह्मण भी शुद्ध हो गया है। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि महिमा लिखी तो है परंतु हमें विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने पूछा कि फिर आपको विश्वास कैसे होगा, वह उपाय कहिए। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, यदि इस व्यक्ति के हाथों से भगवान शंकर के नंदी जी प्रसाद खा लें तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे अथवा नहीं। सब लोग काशी में ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुंचे जहां शर्त रखी गई थी। श्री गोस्वामी जी ने नंदीश्वर से कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिए। नंदीश्वर ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया। इस चमत्कार को देखकर सभी श्री रामचंद्र जी की एवं राम नाम की जय जयकार करने लगे और श्री तुलसीदास जी की राम निष्ठा पर बलिहार हो गए। दोस्तों ऐसी है राम नाम की महिमा, बोलिए जय श्री राम। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।